नमस्कार दर्शकों, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। चुनाव की बिसातें बीत चुकी है, बस चाले चलना बाकी है। भाजपा की रणनीति कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के परे है, जिसके चलते भाजपा हर प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए आमदा है, जिसके चलते राजनीति गलियारा गरमाया हुआ है। राज्य में कांग्रेस नीतियों के अभाव में पिछड़ रही है, वही राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने पुराने किए गए कामों पे बैकफुट पे है, जिसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार अजीत पवार अपने और अपनों के साग बचाने में लगे हुए हैं। विदर्भ में प्रफुल्ल पटेल के किए गए काम प्रफुल्ल पटेल के गले की हड्डी बन चुके हैं। पटेल ने विदर्भ में भारी उद्योगों की नींव तो रख ली, लेकिन उद्योगों के जुमले राज्य के विधानसभा चुनाव में पटेल पर भारी होने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारी खास खबर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि हैवी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय का प्रोजेक्ट है, गोंदिया और भंडारा जिले को उद्योगों की श्रेणी में लाने के लिए विदर्भ में उद्योगों का निर्माण करने के लिए भेल का पावर इक्विपमेंट फैब्रिकेशन प्लांट का नींव कार्यक्रम 14 मई 2013 में रखा गया था, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उस समय के केंद्रीय मंत्री शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद थे। यह कार्यक्रम साकोली तहसील के तहत आने वाले मुंडीपार ग्राम में शुरू किया जाने वाला था, जिसके चलते साकोली और लाखनी तहसील के 472 एकड़ जमीन में इस प्लांट का कारखाना शुरू होने वाला था। इस प्लांट की उत्पादन करने की क्षमता 1,00,000 मैट्रिक टन इतनी होने वाली थी। इस प्लांट में सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल बॉयलर के प्रेशर पार्ट, पाइपिंग, प्रेशर रिसीवर इनका उत्पादन किया जाने वाला था। लगभग इस प्लांट में 3,000 लोगों को सीधे तौर पर और अस्थायी तौर पर रोजगार मुहैया होता, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को मिलता, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ, जिसके चलते यह प्लांट आज एक शोपीस के तौर पर स्थानीय लोगों को दिख रहा है। किसी जमाने में राष्ट्रवादी कांग्रेस के गद्दावार नेता जनता के बीच जाकर इन्हीं उद्योगों का सहारा लेकर जनता से वोट मांगा करते थे, लेकिन अब आलम यह है कि इनके बनाए प्लांट जनता को गुमराह करने में नाकामी अब साबित हो रहे हैं। राजनीतिक चाले चलना कभी कभी राजनेताओं पर भी हावी हो जाती है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।